जैसे अभी सुनैना ने बताया कि ऊपर भी कहते हैं कि शिकायतें करते रहते हैं, तो मेरी रचना में भी आप शिकायत है थोड़ी सी, और वो शिकायत है चंदा मामा की, चंद्रमा। तो उनको पहले शिवरात्रि पर सुनैना ने बताया था क्यों चंद्रमा नाराज है, तो आज मैं बता रही हूँ भगवान जी से, रामचंद्र जी से क्यों नाराज है। खुद पहले तो एक दो शब्द सुन लो, खुद को भगवान से जोड़ दो और सब भगवान पर छोड़ दो। पहले जो चांद को भगवान राम से शिकायत है कि दिवाली का त्यौहार अमावस की रात में क्यों मनाया जाता है। अमावस की रात में चांद तो निकलता नहीं, इसलिए वह कभी भी दिवाली मना ही नहीं सकता बेचारा चंद्रमा। पॉइंट बताएंगे उसको, इसलिए कभी भी दिवाली नहीं मना सकता। एक यह एक मधुर रचना है जो मैंने चांद की, खुद को राम के कार्य से जोड़ लेता है और फिर राम से शिकायत करता है कि राम भी उसकी बात से सहमत होकर उसके वरदान दे बैठते हैं। वो वरदान कौन सा है वो सुनिए। जब चांद का धीरज छूट गया वह रघुनंदन से रूठ गया, बोला रात को अलौकिक हम ही करते हैं, स्वयं शिव ने भी हमें अपने सिर पर धरा है, तुमने भी तो उपयोग हमारा ही किया है, हमारी ही चांदनी में सिया को तुमने निहारा था, सीता के रूप को हमने ही सवारा है, चांद के तुल्य उनका मुखड़ा निखारा है। जिस वक्त याद में सीता कि तुम चुपके चुपके रोते थे, उस वक्त तुम्हारे संग मैं, बस मैं ही तो तुम्हारे साथ जागता था, संजीवनी लाऊंगा, लखन को बचाऊंगा, हनुमान ने तुम्हें कर तो दिया आश्वस्त, मगर अपनी चांदनी बिखरा कर मार्ग मैंने ही तो दिखाया था, तुमने हनुमान को गले से लगाया मगर हमारा कभी नाम भी ना आया, रावण की मृत्यु से भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से मोहन तुम्हारा मन बहुत खुश था, मैंने भी आकाश से पृथ्वी पर झांका, गगन के सितारों को तरीके से टाका, सभी ने तुम्हारा विजयोत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाया, इस अवसर पर भी तुमने मुझे सबको भुला दिया, बताओ मुझे फिर क्यों तुमने भुलाया, क्या तुमने अपना विजयोत्सव अमावस की रात को ही मनाना था, अगर तो अपना उत्सव किसी और दिन मनाते तो आदमी बुधुरे सहित हम भी तुम्हारे उस फंक्शन में शामिल हो जाते, मुझे सताते हो चिढ़ाते हो, लोग आज भी दिवाली अमावस के दिन ही मनाते हैं। तो राम ने क्या प्यारा उत्तर दिया, क्यों बेकार में घबराता है, कुछ जो खोता है वही तो पाता है, जा तुझे अब मैं लोग ना तुझे सताएंगे, आज से सब तेरा नाम मान बढ़ाएंगे, जो मुझे राम कहते थे वो आज से श्री रामचंद्र कहकर बुलाएंगे, तुम्हारा स्नान मेरे साथ गुनगुनाएंगे।